वेलकम टू हर्बलिज्म विद हेल्थ। आज की वीडियो प्राकृतिक वनौषधियों की श्रृंखला में ऐसे हर्ब जो आयुर्वेद की दुनिया में तो बहुत जाने माने हैं और हमारे आसपास ही उगते हैं, पर हमारी अज्ञानता वश हम उन्हें घास समझ लेते हैं। ये ज्ञान पूरी दुनिया के लिए विरासत है, तो फिर हम हमारे अपनों में क्यों न बांटें। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम नागरमोथा के बारे में जानेंगे। नागरमोथा समस्त भारत के जलीय तथा आर्द्र प्रदेशों में 6000 फीट की ऊंचाई तक होता है। यह अधिकांशतः नालों और नदियों के किनारे नमी वाले भूमि में पैदा होता है। पुष्प जुलाई में तथा फल दिसंबर में लगते हैं। इसकी बहुवर्षीय तृण जाती छोटी सी झाड़ी 1 से 3 फुट तक ऊंची होती है। पत्र लंबे पतले भूमिगत कांड से निकलते हैं। भूमिगत कांड में आधा इंच व्यास के अंडाकार सुगंधित बाहर से पीत वर्ण के परंतु अंदर से श्वेत वर्ण के अनेक कंद लगे रहते हैं। गुण धर्म के आधार पर नागरमोथा चरपरा, शीतल, कड़वा, कैसेला, हल्का त्रुक और कफ पित्त, रुधिर विकार, तृष्णा, ज्वर, अरुचि तथा कृमिनाशक है। इसका लेप सूत्र तथा स्तन्य जनन है। यह चर्म रोग नाशक, ज्वरग्न, विषग्न, वल्य, गर्भाशय संकोचन, स्तन्य शोधन और मूत्रल है। यह मेद और नाड़ियों के लिए वल्य है। मुस्ता संग्राहक तथा दीपन पाचन द्रव्यों में सर्वोत्तम माना गया है। जिस मोथा घास को खेतों की फसल नष्ट करने वाला माना जाता है, वह एक औषधीय पौधा भी है। इसका लेटिन नाम साइप्रस रोटेंडस है। इसे मुस्तक नागरमोथा भी कहते हैं। बारहा यानी कि सुअर का प्रिय भोजन भी होता है। बारहा इसकी जड़ों को खोदकर नागरमोथा के कंदों को खाते हैं। मोथा में स्टार्च प्रोटीन के अलावा कई कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। यह महिलाओं के लिए मासिक धर्म की रामबाण औषधि है। यह पाचन क्रिया को ठीक कर पेट के रोगों को भी ठीक करती है। गठिया वायु और बुखार में भी ये फायदेमंद होती है। मोथा की जड़ का ही औषधि प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में खून की भी कमी हो जाती है। ऐसे रोगी को चुकंदर या गाजर के रस के साथ 5 ग्राम सुबह शाम सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है तथा शरीर में नया खून बनने लगता है। 5 ग्राम नागरमोथा को 200 ग्राम दही में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से 4-5 दिन के अंदर बवासीर में काफी आराम मिलने लगता है। स्त्रियों में मासिक धर्म की अनियमितता में मोथा घास पीसकर गुड़ मिलाकर गोली बना कर सुबह शाम देने से फायदा होता है। गठिया रोग में नागरमोथा, आंवला तथा हल्दी को समान मात्रा में मिलाकर काढ़ा बनाएं। इसके सेवन से गठिया रोग में लाभ होता है। मोथा के कंद को पीसकर लगाने से भी दर्द में लाभ होता है। घुटनों के दर्द में नागरमोथा के जड़ का चूर्ण बनाकर सुबह शाम दूध के साथ 3 महीने तक प्रयोग करते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। प्राकृतिक औषधि पौधों की इस सीरीज को हम जारी रखेंगे। आप भी प्राकृतिक औषधि पौधों की जानकारी रखते हैं तो अपने अनुभव साझा करें।